अस्सलाम वालेकुम सैमाबा जी, आप हमारे यारू खान गोट में आइए और ये देखें, हम बिल भरा कर आते हैं, दोबारा फिर दोबारा लग कर आ जाते हैं। आप पहले भी आई थी, अब भी आएँ, हमारे मसले मसाइल हल करें। आपके शो हम डेली देखते हैं, बहुत अच्छा शो है आपका जी। तो नाजरीन, आपने जैसे देखा यारू खान गोट है आज हमारी मंजिल, जहाँ की लोगों की चीखें सुनाने के लिए हम आप जा रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपके लिए भी ये मौका है कि अगर आपको भी लगता है कि हमें आपके साथ प्रोग्राम करना है, या आपके ऐसे इलाकों की ऐसी हालात हैं कि आपकी चीखें निकल गई हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे रابطہ कर सकते हैं और अपनी वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हमारा प्रोग्राम का और हमारा अपना नंबर आ रहा है। इसके अलावा अभी आपको यारू खान गोट में जाने से पहले हम लोग एक थोड़ी सी और भी तमीज थोड़ी सी बांध दें, वो ये कि 5-6 साल पहले मेरा वहाँ पर विजिट हुआ था। वहाँ पर आतिशजदगी का एक बहुत बड़ा, आपको याद होगा कि नॉर्थ कराची में एक वाकया हुआ था, ये चूंकि उसी की हदूद में आ रहा है और वहाँ पर बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद एक टीम ने आना था जो रेक्टिफाई कर रही थी कि वो आग लगने की वजह क्या है। लेकिन साथ में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इस इलाके का कि जिस तरीके से खास तरीक़ाकार के तहत कराची को कन्वर्ट किया जा रहा है एक इलाका गैर में, इसी तरीके से ये भी इसकी एक कड़ी है। 2004 में बनने वाले यारू खान गोट में ज़बरदस्ती आप समझ लें कि लोगों को झांसे देकर वहां पर बुलाया गया, गरीब लोगों को, और फिर उसके बाद कभी आग लगाई गई। इसके अलावा वहां पर चूंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से कोई रिपोर्ट अमूमन आ सके या मीडिया का एक्सेस हो, तो वहां पर एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अबतर है। इसके अलावा वहाँ पर कब्ज़ा माफिया की कार्रवाइयाँ वो अपनी जगह पर चल रही हैं, और चूंकि उसका कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसा वजूद नहीं है इस इलाके का, और ज़बरदस्ती उसको बनाया गया है रिहाइश के लिए इलाका उस यारू खान गोट को, तो ना वहाँ पर अब तक बिजली का कोई इंतज़ाम है। के इलेक्ट्रिक की जगह बी इलेक्ट्रिक के बिल वहाँ पे आते हैं, जो कि कुंडे के ऊपर बेस करता है वो सिस्टम पूरा, और वो अपनी मनमानी यूनिट के हिसाब से नहीं बल्कि मनमाने जो बिल है वो उनको भेजते हैं बी इलेक्ट्रिक, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा गैस अभी तक मौजूद नहीं है। आतिशजदगी के पैदल पर वाकयात होने के बावजूद वहाँ पर लोग अनविलिंगली या मजबूरी की हालत में, आप जो भी मर्जी कह लें, वहाँ पर सिलेंडर और गाड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर पानी का भी शदीद तरीन मसला है। ये इस वजह से है क्योंकि ये जानबूझ के मसाइल को वहाँ पर पनपते दिया जा रहा है, ताकि एक वक्त आए कि ये लोग इस इलाके से चले जाएँ और इस इलाके को बना दिया जाए, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। तो ये भी कराची के खिलाफ होने वाली साजिशों में से एक साजिश है जिसको आज हम बेनकाब करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। यारू गोट के जिस इलाके का मैंने जिक्र किया था, ये यारू गोट एक बड़ा, आप इसे ये नहीं कह सकते कि बहुत ही वसी रकबे पर फैला हुआ एक गोट है, लेकिन आप इसे ये भी नहीं कह सकते कि बस छोटा सा एक इलाका है, अच्छा खासा एक इसका रकबा है। अच्छा जनाब, हर शहर का किसी भी महजब माशरे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक गिर चुका है, इनफैक्ट के इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी, मैं मानती हूँ कि कभी था ही नहीं, अगर होता तो ये वाले मसाइल ना होते। अब जरा चीख उठा कराची में, हम आपको जरा आवाम की चीखें सुनाने के लिए आए हैं, और चीखें सुनाने के लिए हमें इनके घर भी जाना पड़ेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा, हम भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि एक तवील अरसे से, जब से ये गोट बना था, के इलेक्ट्रिक से पहले जो था वो KAC था, फिर वो बाद में के इलेक्ट्रिक बना, लेकिन आप लोगों को फ्रॉम द डे फर्स्ट बी इलेक्ट्रिक के नाम से कोई बिल भेजा जा रहा था किसी जगह से, मतलब आपका कनेक्शन जो था नहीं, लेकिन आपका तो बिल जो मैंने देखा है वो बी इलेक्ट्रिक का है। ये बी इलेक्ट्रिक है, बी इलेक्ट्रिक है। मैं अभी 2 साल हुए आए हैं। अच्छा, 2 साल हुए हैं। ठीक है, तो ये है वो बी इलेक्ट्रिक, ये बी इलेक्ट्रिक का बिल मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि कराची के, जाहिर है हम रहने वाले हैं, तो हमारे पास जो बिल आता है वो के इलेक्ट्रिक का आता है, और के इलेक्ट्रिक होशियार बाश, आपको पता तो होगा आपके लोगों को कि यहाँ पर कराची में आप समझ लें कि स्टेट के अंदर स्टेट बनाई जा रही है एक तरीके से, कि ये बी इलेक्ट्रिक की ये फिक्स शुदा बिल, अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, 6,500 रुपए का ये बिल जो है वो इन लोगों को भरना पड़ता था, और ये कोई के इलेक्ट्रिक की तरफ से नहीं। अच्छा, जबकि मजे की बात यह है कि आज से तकरीबन लगभग 5 साल पहले मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, तो मुझे ये बताया गया था कि साइमा बाजी, हम खुद चाहते हैं कि हमें के इलेक्ट्रिक की बिजली फराहम की जाए, लेकिन यहाँ पर हमें मतलब एक तरीके से फोर्सफुली हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं
कुंडा ही लगाना पड़ेगा, और कुंडे का जो बिल आता था वो बी इलेक्ट्रिक के नाम से आता था। जी हाँ, ये है आपका कराची, कराची के बीचों बीच, या कोई कराची से बाहर का इलाका नहीं है यारो गोट। हम अगर इस इलाके में आ सकते हैं तो यकीनन आप भी आ सकते हैं। बहरहाल अब अच्छी खबर कुछ यूं है कि इस वक्त आप अली भाई जरा दिखाइएगा, ये पीएमटी वगैरह कुछ लगी है, पीएमटी लगी है, लेकिन यहाँ पर अभी बिजली का सिलसिला, उसकी तरसील का सिलसिला नहीं शुरू हो सका है। वल्ला आलम कब शुरू होगा, लेकिन अल्लाह लगा करके बहरहाल शुरू तो की। एक पानी में ठहरे हुए, पानी में पहला पत्थर ही आप कह लें, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी बिजली का हसूल अभी के इलेक्ट्रिक के जरिए जो है वो भी फिलहाल चालू नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक होता है, हम भी नजर रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको चीज मैं दिखा रही हूँ कि ये आपका कराची ही है। मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि आप लोगों के, जी जी आपका बिल भी मैंने देखा है, तो मुझे आप ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि ये जगह बना तो दी यारो गोट, लेकिन सुना है कि यहाँ पर पहले दिन से आप लोगों को बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है जैसे चांद पर रखा हुआ है। आपके पास बाकायदा ना कोई सुई गैस का सिलसिला है, और ये कोई बना था, ये 2004 में इसका वजूद अमल में आया था, इस गोट का, यारो गोट का। और इसके बाद अब अगर आप देखें तो सुई गैस अभी तक इनको दस्तयाब नहीं है। सुई गैस आ रही है? नहीं, नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर, लकड़ियाँ, पानी भी नहीं आता। ये गर्मियों में तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं आता पानी। अच्छा, मुझे ये बताएं ये बिल किसका है। जी, मैं भी इनके घरों में भी आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले एक और चीज मैं बता दूं कि कुछ अर्से पहले, तकरीबन रिसेंटली आप इसे कह सकते हैं, कि एक झोपड़पट्टी में आग लगी, और अगर मैं आपकी मेमोरीज को रिकॉल करूं तो यही वो जगह थी जहां पर एक बहुत मशहूर वाकया हुआ था। यहां पर झोपड़पट्टियों में आग लगी थी, शदीद जानी नुकसान हुआ था। उसके बाद इन लोगों को, जो मुतासरीन थे, उनको इस जगह पर मुतबादिल जो थी वो सरे दस जगह दी गई थी, जो सिर्फ चार दीवारी पे थी, और मैंने उस पर प्रोग्राम किया था 5 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, कब्जा माफिया किस कदर ये पेनिट्रेट कर चुका है, जड़े मजबूत कर चुका है कराची के अंदर, इसका अंदाजा यहां से लगाए कि फिर उनको वहां से हटाया गया, और फिर वहां पर कुछ घर जो थे वो मुझे दूसरी नौयत के नजर आए, वो लोग वहां पे नहीं थे जिनको अलॉट किया गया था ये घर। तो ये देख लीजिए कि वहां पर कब्जा माफिया ने ऐसे इलाकों को भी अपने शिकंजे में ले रखा है, और इसके असरात किसी और पर नहीं, ये बेचारे गरीब आवाम, ये वो लोग हैं कि जो दिन पूरे महीने में 12,000 रुपए से ज्यादा कहीं कमाते होंगे, इस महंगाई के दौर में 12,000 रुपए से ज्यादा, ये शुद्ध गरीब इलाका है, शुद्ध गरीब इलाका। और अब इनके घरों की अगर मैं आपको हालत दिखा दूं तो मैं ये चाहूंगी कि ये प्रोग्राम सबसे पहले इमरान खान साहब आप देखें। हम सिंध हुकूमत को कोई ग्रीन क्लीन चिट नहीं दे रहे, या कोई उनको ग्रीन सिग्नल नहीं हम दे रहे हैं कि वो इस चीज को फायदे के लिए अपने इस्तेमाल करें वफाकी हुकूमत के खिलाफ। मैं डायरेक्ट वजीर आजम पाकिस्तान साहब आपसे, और आपके वो जो इर्द गिर्द के आपके मुशीर हैं जो आपको बताते हैं कि सब सेट है बॉस, जरा इनके घरों की आप जरा सिर्फ हालत देखिएगा। बेटा पानी भी नहीं देते मेरे बच्चे, हमें गैस लकड़ियों से पका, जाके देखे हाथ काले, लकड़ियों पे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते पानी के लिए, जाके तो कोई पानी नहीं होगा पीने के लिए बच्चों को। जी आप जब इस घर, ये यारो गोट में कब से रह रही है पहले बताएं? ये मैंने झुग्गियां डाली थी यहाँ, झुग्गियां 20-25 झुग्गियां थी, सिर्फ 4-5 झुग्गियों को उन्होंने प्लाट दिए, जमीन थी उसको इन्होंने निकाल दिया। हमने मुकाबला किया पुलिस से, हमने मुकाबला, गालियां खाई, गोलियां खाई, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला बेटा, हमें कुछ नहीं मिला। हमने छह महीने जंगल में काटे, मोमबत्तियों से खाना खाया हमने जंगल में। मुझे यही याद आ रहा है कि जब मैं आ रही थी इस इलाके में 5 साल पहले, तो जो शुरू का इलाका था वो जंगल वाला था, जंगल था बेटा, ये हमने आबाद किया। तो वो कहते हैं नहीं बिजली का बिल दो, मैं बेवा औरत, मैं बिजली का बिल कहाँ से दूँ? बताओ कहाँ से दूँ बिजली का बिल? बताओ हम, तुमने हमें इसका इस यारो गोट का हमें कुर्बानी का बकरा बनाया, क्यों बनाया? मैंने सुना है कि आप लोगों को, बल्कि जिस वक्त ये गांव, ये सॉरी गोट बस रहा था, तो पकड़ के लाया जा रहा था कि भाई इस जगह आके बसो, इस जगह आके बसो। बस है ना बेटा, मैं लाया गया तो हम बसे ना इधर। हाँ, हम इस्तेमाल हमने किया इसको, हमने आबाद किया इसको, आबाद करके वो लोग चले गए जिन्होंने करा। बेटा ना पानी देते हैं, ना गैस दिया बेटा, कब तक गुजर? जाके देखो हमारे घरों में, आपको सही मिले ना घर तो बेटा आप बोल लो। मैं आपके घरों में ही आऊंगी, बेफिक्र है, मैं आपके घरों में ही आऊंगी। ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए जिस तरीके से, पता क्या हुआ, 2004 में बड़ी टेक्निक इस्तेमाल की गई, बड़ा दिमाग इस्तेमाल किया गया,
दूर दराज के इलाकों से इन गरीबों को पकड़ पकड़ के लाया गया इस इलाके में। कहा गया कि यहाँ पर आके बसें, पहले आप बजोरे बाजू इन लोगों को ऐसी जगहों पर लेकर आके बसाने का आप झांसा देते हैं। जब वो आ जाते हैं अपना सारा माल असबाब लेकर, बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इनके साथ वो होती है जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लाते हैं अब ये बूढ़ी औरत। अच्छा, एक और चीज कि जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, अभी तो इन लोगों के पास अभी ये अभी इनको पता ही नहीं है कि अब ये के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन इनको रो धो के मिल तो गए, लेकिन अब जो वो बिल आएंगे ना, इनको पता ही नहीं है कि फी यूनिट की कीमत के इलेक्ट्रिक की अब कितनी बढ़ चुकी है। ये बी इलेक्ट्रिक कुंडे के जोर पे ये चल रहा था और इनको फोर्स किया जा रहा था कि नहीं आपको यही मिलेगा। अब ये बी इलेक्ट्रिक तो हो जाएगा खत्म, अब आएगी के इलेक्ट्रिक की बारी और फिर इन लोगों को पता चलेगा 12,000 रुपए कमाने वाले इन लोगों को कि जब बिजली का बिल आएगा तो ये समझ में नहीं पा रहे होंगे, इनके इनके होश उड़ जाएंगे ये देखकर कि हम 12,000 रुपए कमाने वाले गरीब लोग, हम अगर बी इलेक्ट्रिक से बिजली हासिल कर रहे थे तब भी हमें चूना लगाया जा रहा था और अब हमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो बिजली, हमें तो पता ही नहीं था कि बिजली के बिल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको गरीब आदमी की नब्स को पकड़ना होगा, अगर आप इसकी नब्स को नहीं पकड़ पाते तो मेरे ख्याल में कि आप इससे बढ़कर और मैं क्या कह सकती हूँ कि आप दुआ कीजिए कि बस कराची के फिर एक ही दफा में आप काम तमाम कीजिए, दोबारा कराची बसाइए और उसके बाद फिर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही कीजिए। अच्छा माँ जी, मुझे, मैं अब आपके घर पे जा रही हूँ, मुझे ये बताएं कि आग लगी थी जब झोंपड़ पट्टियों में तो उस वक्त वो जो मुतासरीन थे उसमें बहुत से लोगों की मौत भी हो गई थी, बच्चों की भी मौत हुई थी, उसके बाद वो कुछ अता पता है कि उनको कहाँ चले गए? हैं इधर हैं दो। अच्छा। हाँ आपको दिखाऊंगी, वो भी हैं। अच्छा। तीन चार जन हैं, तीन घर हैं, दो घर हैं इधर बेटा। हाँ वो है, लेकिन वो तो बहुत सारे घर जले थे पहले। वो सारे जले तो चले गए ना भी इसके। माँ जी आप ये बताएं कि आपने, आपकी माशाल्लाह उम्र देख के लग रहा है कि आपने हर दौरे हुकूमत देखा। मैंने बहुत देखा बेटा। तो मुझे ये बताइए कि इस दौरे हुकूमत के बारे में क्या कहेंगी? सुना है कि, मैंने सुना है कि गरीब तो मर गया, मर गया। हम जब इमरान खान से बेटा पैसे लेने जाते हैं ना तो हमें कहते जाओ अभी नहीं मिलेगा तुम्हारा 12,000 रुपए जो होते हैं एहसास प्रोग्राम दिए इमरान खान ने। अच्छा। दूसर के गई हो तो कह रहे नहीं 2 महीने के बाद दे। हमने कहा हम कहाँ से खाएंगे, हमें थोड़े दे, हमारा थोड़ा गुजारा हो जाएगा, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे उनके कपड़े वगैरह बना लेंगे खा। नहीं कह रहे 2 महीने के बाद देंगे। 2 महीने तक आप फाके करेंगे क्या? नहीं मना कर दिया उन्होंने बेटा, अनायसी से देते तो मैं वापस आ गई। माँ जी आप इस घर में रहती हैं? मैं इसमें रहती हूँ, उसमें हमारी बेटी बहू के रहती है। आपकी तो ये छत टूटी हुई है? हाँ टूटी हुई बेटा, बारिश में इधर बैठती हूँ आके, जब बारिश होती है ना बेटा यहाँ बैठती हूँ जीने के नीचे। इस जीने के नीचे? हाँ, बैठती हैं। अगर बारिश पूरा पूरा दिन रहे तो पूरा पूरा दिन इस यही बैठी रहूंगी, यही बैठी रहूंगी। ये मेरा घर है, ये देख ये सारा टूटा हुआ है बेटा, ये किचन टूटा, ये देख, ये आप देखेंगे ये रोटी पकाते हैं हम लोग। आप देखिए कि ये कोई आर्टिस्टिक वॉल नहीं है, ये आप देखें कि चूंकि गैस नहीं है ये पूरा का पूरा इस वक्त जो काला स्याह हुआ हुआ है, ये यहाँ पर नीचे क्या किया जाता है, यहाँ पर लकड़ी जलाई जाती है। अब घर की चौड़ाई कितनी होगी इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि 7 गज की सिर्फ ये घर की, मतलब 7 गज का घर है सिर्फ ये। 7 गज की है बेटा, क्या करता वो इतनी जगह दी थी उन्होंने, क्या करते बैठ गई थी बस। मरी वो उन्होंने बना के नहीं दिया बेटा। अच्छा ये बताएं कि हमारे वजीर आजम साहब ने सस्ते घरों का कुछ ऑफर किया है गरीबों को? नहीं हमें नहीं मिला। आपको अगर फर्ज करें कि अगर वजीर आजम साहब मुझे बता दीजिए कि हजूरे वाला अगर सस्ते घरों का कोई आप पैकेज लेकर आ रही हैं और उसका बड़ा एक शोहरा है, इससे ज्यादा डिजर्विंग और कौन होगी? आप मेरा वॉशरूम बंद है बेटा, मैं वॉशरूम के लिए वॉशरूम नहीं बना सकती, मेरे बच्चे, ये देखो बड़ा हुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बना नहीं, क्या क्या करूँ, क्या बनाऊँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। 4 बेवा मेरी बेटी है, जवान हुई है, मैं कुछ नहीं कर पाती बेटा कर। अच्छा मुझे ये बताएं कि माँ जी अब समझ मुझे ये नहीं आ रहा है कि आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, बारिश हो
गर्मी हो, आपके पास छत नहीं है, छत के बगैर आपका घर है, और जो एहसास प्रोग्राम के तहत आपको पैसा टका भी नहीं मिल रहा है, एक ही दफा मिले सिर्फ, दो सालों के दरमियान एक ही दफा मिले। अच्छा, सस्ते घर का आपको नहीं पता कि यहाँ पे भी कोई ऐसी ऑफर आ रही है आप लोगों के लिए? मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको सिर्फ देखूँ ना, अपने आप को तो मैं बहुत दूर की बात है, मैं सिर्फ एक आम आदमी को भी मैं इस जगह पे ला के रखूँ तो जो आपने चीजें मुझे दिखाई है ना, उसमें तो जिंदगी बसर नहीं होती है माँ जी। क्या करें फिर बेटा, आप बताने मेरी बच्ची क्या कर सकते हो? आप हमारे हालात देख लें, हमारा घर देख लें, ठीक है ना, हमें ही पता है हम किस तरह गुजार, एक बंदा कमाने वाला है, दस दस अफराद खाने वाले हैं, एक बंदा क्या क्या करेगा। माँ जी चीखे निकल गई है, चीखे निकल गई, ऐसी निकली है कि मैं तो ऐसे बीमार हो जाती, मुझे उठा के रिक्शे में डाल के लेके जाते, इस कदर मेरी हालत। आपका तो हॉस्पिटल भी बहुत कोई दूर है, हॉस्पिटल भी क्या करे, लेके जाते, मर जाओ तो मर जाओ उधर ही रिक्शे में, कोई वो नहीं, जब तक लेके जाए बेटा, मेरी इतनी हालत थी। इसको घर को देखती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, किसको देखूँ, नहीं बर्दाश्त होता, मैं एक टाइम खाना खाती हूँ बस, एक साथ बस, वो भी सही नहीं मिलता, बैठ जाती हूँ। मेरा घर तो बेटा, ये तो मदद करिए मेरे, जैसा आपने करिए, इस भाई ने करी जब बनाइए, नहीं तो ऐसे ही बैठी हुई थी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, ये दो आदमी ने मेरी मदद की है। एक हमारे पास एक महकमा है, इसे कहते हैं बैतुल माल का, अशरु जकात का एक हमारे पास महकमा है। ओ भाई, वो किस काम के हैं ये महकमे, ये इनको ये नजर नहीं आते कभी आपको कोई जकात वगैरह के लिए, कभी आपको कोई भी नहीं आया, नदी बेटा किसी ने भी। ये चीखा सुनाने के लिए मैं आई हूँ आपको यहाँ पे, ये मैंने इनसे पूछा ना कि चीखा न, अब मुझे एक बात बताएं कि एक माँ जी कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 60 बिल्कुल ज्यादा हो गई बेटा, 60-70 साल की एक बुजुर्ग औरत धाड़े मार मार के आपके सामने रो रही है, और ये कोई आपसे कोई डबल केबिन या कोई आपसे पोश इलाके में कोई बंगला या कोई लग्जरी फ्लैट या फिर कुछ इस तरह की कोई लग्जरी चीज नहीं मांग रही है बेटा, सिर्फ जो बाकी जिंदगी रह गई है उसके सांसें मांग रही है। 1 लाख बेटा बिजली का बिल, मैं पैरों से नहीं चल पा रही थी, मैंने कहा तू मुझे जेल में डाल दो, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकती, आपने कहा मुझे जेल में डाल दो, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकती, नहीं सकती तो कह रहे हो बिजली का बिल तो देना है तुझे, कहाँ से दूंगी, नहीं तो तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा। इस झोंपड़ी को कोई नीलाम करेगा? कह रहे गिर गई बेटा, कह रहे नहीं हम इसको ले लेंगे, तुम बिजली का बिल नहीं भरोगे, अभी बैठे मौजूद जो जानने वाले जिन्होंने मुझे ये वो तो कह रहा, वो तो लेता ही नहीं पैसा, वो बना के देता, जिसने हासिल किया ये प्लाट यारोगोट, वो कह रहा हम बना के देंगे, तुम टेंशन नहीं लो माँ, हर किसी को यही बोल के हम बना के दूंगा, मैं लाइटें लगवा के दूंगा, बिजली ये बना के दूंगा, रोड बनवा के दूंगा, लाइटें लगवा के दूंगा। इन लोगों ने उसका एक जीना हराम कर दिया, उसके बहनों को कत्ल कर दिया इन लोगों ने, दूसरे लोग आ गए यहाँ यारों में। ये कौन है, ये कौन लोग है? पता नहीं कौन है बेटा, पता है होता क्या है, जो ये गोट होते हैं, मूसा सुना, मूसा सुल्तान सुना आपने? नहीं नहीं, उसने ये हासिल किया, उसने कह रही अम्मा टेंशन नहीं लो, मैं आपको बनवा के भी दूंगा, जितनी भी मेरी इस 60 की पट्टी ने आबाद किया मेरे यारू गोट, मैं सबको बना के दूंगा, मेरी बच्ची उसको इन्होंने रोल दिया, मार दिया, नहीं निकाल दिया इस इलाके से, पता नहीं कहाँ है वो बच्चा। मैं अगर ऐसे गोठों का रुख ना करूँ ना, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे चींटियों की तरह, मकौड़ों की तरह, कीड़े मकौड़ों की तरह, जिसे जिंदगी बसर करने के लिए छोड़ दिया जाता है किसी इलाके के अंदर, इस तरह छोड़ा जाता है, और फिर उनकी चीखें सुनाई भी नहीं दी जाती इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे किसी की रसाई नहीं है, कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखने वाला नहीं है, किसी की कोई पुकार कहीं जाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रुख करता नहीं है। तो मैं चुन चुन के, मैंने आपसे कहा ना कि अब मैं चुन चुन के ऐसे इलाकों में आपको लेके जाऊंगी, फिर इनकी चीखें मैं आपको सुनाऊंगी। जी जनाब, हम लोग निकल के आ गए हैं उस घर से जो इन खातून का था, इन बुजुर्ग खातून का, इनकी चीखें आपने सुनी। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, यहाँ पे एक बाअसर शख्सियत है इस इलाके के, मतलब यानी कि इन्हीं में से, लोगों में से, लेकिन जरा जिनकी आवाज़ जरा दबंग है, कामरान भाई, कामरान भाई को हमने बड़े रिक्वेस्ट करके बुलाया कि कामरान भाई जरा
थोड़ी देर के लिए आइए ताकि हमें सही तरीके से हालात का पता चले। कामरान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इतनी ज्यादती इस इलाके के साथ? बहुत ज्यादती है, बहुत जुल्म है। पहले के जो लोग थे वो लुटेरे थे, समझ नहीं है। अब जो लोग हैं वो नरमी वाले लोग हैं। एक मिनट कामरान भाई, ये पोल, ये तो अर्थ वाला पोल है, ये बीच में है, ये यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बारिश वगैरह में यहाँ पे तो अर्थ आ जाता होगा। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जो केवल इन्होंने डाली, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई शिकायत का मौका नहीं है। बात ये कि हमने भी बात करी थी इसी हवाले से ना, तो इंशाल्लाह अच्छा ही बेनिफिट है। लोग जो हैं वो जुल्म की इंतहा करी है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है ये देखिए ना ये पूरी तार इसके नीचे से आ रही है, इसकी अर्थ की तार है ये। जी देखिए, और ये इसी हवाले से हमने पहले ही बात की है, लेकिन इंशाल्लाह उन्होंने बोला शिकायत का कोई मौका नहीं है, आप बेफिक्र हैं। पहले के जो लोग थे जिन्होंने ये मामलात किए, जिन्होंने ये हुशूल पैदा करा, जो पंचायत करी लोगों ने, इस हवाले से हम लड़े, लोगों को निकाला, आवाम को जमा करा, पंचायत करी आवाम। मकसद कहने का ये है कि उनसे जब बात हुई, बेनिफिट हुए, उनसे बैठ के टेबल टॉक बात करी कि भाई लोगों के साथ नजायज़ क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने बात इस फेस की, हाँ चलो यार हमसे गलती है, हम ये कर दें। अब दूसरे जो लोग बैठे हैं माशाल्लाह, लोगों को ताबुन भी दे रहे हैं, लाइट के हवाले से, पानी के हवाले से, ये कि बदमाशी के तौर पर आते हैं, पैसे लेते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ बाकी मसाइल तो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ की तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है कि बदमाशी चल रही है, जिसका दिल चाह रहा है वो अपने तरीके से निज़ाम चला रहा है, जिसका दिल चाह रहा है लोगों को लूट रहा है, कभी बी इलेक्ट्रिक के नाम पर, कभी फलां के नाम पर, कभी फलां के नाम पर। कामरान भाई, एक और घर में हम आ गए, इससे पहले इन खातून के घर पर हम गए थे, एक और गुर्बत की मुंह बोलती तस्वीर, और इस पे मुझे कोई छत नाम की चीज नजर नहीं आ रही। अब इसी जगह पर मुझे पता है कि जब इस इलाके की जो हैयत है कि यहाँ पर बारिशों में पानी नहीं आता होगा, सैलाब आता होगा, सैलाब, इस बगैर छत के, मतलब इसमें जो रहने वाले हैं कौन है, वो इंसान है या कोई कीड़े मकोड़े? नहीं, इंसान है, गरीब लोग हैं। अब बाद मैंने आपसे भी कही ना कि गरीब लोगों के साथ जुल्म की इंतहा होती जा रही है। अब हम कूदें तो इंशाल्लाह ऐसे कोई मामला नहीं होते हुए नजर आ रहे। जो पानी का इशू है, मैंने आपसे खुल के बात करी, पानी वाले लोग हैं, जो चंग लोग हैं, जो बदमाशी करके यहाँ से पैसे लेके जा रहे हैं, फी घर 1000 रुपये लिए हैं कि पानी की लाइनें डाली हैं, फिर पानी की आवाम को सहूलत नहीं है। लाइट के हवाले से बात थी, जो पहले लुटे रहे थे वो चले गए, अब जो दूसरे बैठे हैं माशाल्लाह ये ताबुन भी कर रहे हैं, खड़े हुए भी हैं, कोई बात भी होती तो माशाल्लाह आगे से आगे बढ़ के काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे पेश आती है इनसे कोऑर्डिनेट करने में? कोऑर्डिनेट करने में मकसद ये है कि कोई मामला होते हैं ना बिल के हवाले से, कोई बात हो जाती है तो हम करते भी हैं, कोई भी मामला होते हैं खड़े भी होते हैं, और लेकिन जो मामला है ना बस वो इसी हवाले से, पानी के हवाले से एक्चुअली इन्होंने ख़राब करा हुआ, निज़ाम ख़राब किया हुआ। बहन मेरी, ये आपका बिल, और अगर मैं ये बिल कितना, ये सर्दियों का बिल है जी, ये बस ऐसे ही जो चढ़े हुए बिल है, भरा भी है, मेरे शोर का काम नहीं है, बहुत परेशान हूँ, पहले भी एक साल तक मेरे शोर का एक्सीडेंट हो गया था, परेशान। एक मिनट, ये बिल कितना है? ये 1 लाख से ऊपर का। मुझे लगा कि शायद मेरे लेंस मुझे इजाजत नहीं दे रहे, सही तरह धुंधलाई हुई है, लेकिन मेरी नजरें बिल्कुल सही थी, मेरे लेंस भी बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के थे। ये 1 लाख समथिंग आपको जो नजर आ रहा है, पहले मैंने सोचा नहीं मेरी इस जगह का, इस झोपड़ी का 1 लाख बिल, अल्लाह माफ करे, और बी इलेक्ट्रिक की तरफ से ये दिया गया है, वही कैसे देंगे आप ये बिल? बस बहुत परेशान है, बिल के हवाले से लाइट काट दी जाती है, पानी की वजह से परेशान, हर चीज से परेशान है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बिजली आपको झुंगे में मिल रही है, गैस आपके पास नहीं आ रही, कि सिलेंडर आपको, लकड़ियां आपको इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, पानी के लिए आपको रिंग रिंग के जाना पड़ रहा होता है, नाक रगड़नी पड़ रही होती है एक बूंद के लिए, तो इस जगह पे रहने का आपका जो इस जगह पे कोई हुकूमत का कोई बंदा, या आपको हुकूमत से कोई सवाल करना है, या हुकूमत से कोई उम्मीद है, या हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं आप? बस परेशान है, ये परेशानी का हल निकाल दें, यहाँ पे पानी का, ये बिजली का बिल है, मैं भर नहीं सकती, इसका हल निकल जाए, ये किसी तरह खत्म हो जाए, बिल क्लियर हो जाए। मेरे भाई ये मुझे बताएं, मैं शायद इमरान खान साहब को और हुकूमतों को पता नहीं है कि गरीब की जिंदगी कैसे बसर होती है, तो मैं जरा थोड़े से ऐसे इलाकों में आपको लेकर आई हूँ। अभी कुछ ही अर्से पहले यहाँ पे झोंपड़पट्टी में आग लगी, उससे पहले 8 साल पहले एक बहुत बड़ा वाकया खौफनाक हुआ था आतिशजदगी का, फिर भी आपने बच्चों वाले घर के अंदर ये सिलेंडर और ये लकड़ियाँ जलाने पे आप मजबूर? ऐसी नहीं है, परेशानी इतनी हो रही है हम लोगों को, क्या कर सकते हैं, मजबूरी जलाना पड़ती है, गैस भी और लकड़ियाँ भी, क्या कर सकते हैं बताएं। अच्छा। पानी की परेशानी यहाँ पर, गैस की परेशानी यहाँ पर, लाइट की यहाँ परेशानी है। आपकी आवाज़, आपकी पुकार, आपकी चीख कोई और सुने या ना सुने, लेकिन आपकी ये चीख सुनवाने के लिए हम लोग निकले हैं, इतनी दूर आए हैं। चले जनाब अली भाई, आ जाएं यहाँ पे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं दिखा सकते।
अब बहुत ही पुराना एक इस अखबार की सूरत देखकर आपको अंदाजा होगा कितना पुराना ये अखबार है, लेकिन बड़ा जरूरी है ये तराशा। ये खबर अखबार जहां में और खुर्शीद अब्बासी साहब की ये तहरीर थी, और जब यहां पर आतिशजदगी हुई थी ये तब का आर्टिकल है। और साने नॉर्थ कराची, आतिशजदगी या आतिशजदगी की वारदात, वारदात यानी कि लोगों को जिंदा जलाने का जो बेड़ा है ना, वो सिर्फ एक हम बल्दिया की फैक्ट्री को समझ रहे होते हैं कि सिर्फ वही एक वाकया था, नहीं, इस छोटे से एक एरिया के अंदर जिसको यारूगोट कहा जाता है यहाँ पर भी ऐसा ही वाकया हुआ। ये जो आग लगी थी इसमें ये सानेहा था उस वक्त का नॉर्थ कराची का। मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, ये 8 साल पहले की बात है, तो लगभग मैंने कोई 2-3 साल बाद आकर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था जब मैं, तो उस वक्त जो था मुझे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी जिनके घर में ये हादसा हुआ था। मैं आपको लेटेस्ट इसकी न्यूज़ ये बता दूँ, अपडेट बता दूँ इनफैक्ट कि इस्लामाबाद से जो टीम आई थी उस वक्त उसका था, जिस वक्त मैं आई थी पहली दफ़ा, तो उनको कहा था कि भाई ये टीम आएगी, वो अपनी रिपोर्ट बताएगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आग लगी नहीं थी बल्कि आतिश गिर मादा यानी कि केमिकल को इस्तेमाल किया गया था कब्जा करने के लिए, और किसी एक छोटे से टुकड़े को हत्याने के लिए हम लोग इंसानियत की सीढ़ियों से किस तरीके से अपने आप को गिराते हैं ये आप जरा देखिए। अब इतने अरसे बाद में आई हूँ और वही चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा मालूम कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। बहुत अरसे बाद, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देख के दिल खुश हो गया कि पता करने तो आए। हाँ। और तो कोई आया भी नहीं, हालांकि जियो वाले भी बोलते हम आएंगे, कोई भी नहीं आया अभी तक। आपको दुआएं देते हो, पता कर लेते, चलो ये बड़ी बात है। मुझे ये बताइए कि मैं आ तो गई हूँ, 5 साल बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है उस रिपोर्ट के बाद जो कि वो इस्लामाबाद वाली टीम आई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो भाई केमिकल डाला गया था, तो वो उस रिपोर्ट के आने के बाद अब मैं आई हूँ आपके पास। कोई हुकूमत ने जो आपसे वादा किया था, जो लोग बच गए थे, वो कोई पूरा हुआ या नहीं? नहीं भाई, कोई भी नहीं पूरा हुआ। प्लाट देने का वादा करा था, जियो वाले भी साथ थे, अजमेर गोटे सरजानी के पीछे निसार खोड़ो आया था, खुद ही लियान करा था। अब अभी तक दिए नहीं है, भाग भाग जो इमदाद मिली थी वो भाग दौड़ में लगा दी, एक मिनट बिल्कुल भी नहीं दिए, बात भी नहीं सुनते। तो और कोई भी ऐसा कोई वादा नहीं जो हमारे साथ पूरा करा हो, बस ये मुस्तफा कमाल को भाई को दुआ कर दी, घर दिए थे हमारे को उसने, तो हम बैठे वरना पता कहाँ कहाँ रुलते हम। तो भाई उनका हक बनता, बड़े बड़े इलियान गया, निशा वो कैमली शाह आया था, पैसों का इलियान करा था, ये करेंगे वो कर, कुछ भी नहीं करा। बीमार पड़े कुछ बड़े छोटे छोटे बच्चे, बस अल्लाह के आसरे पे है हमारी, क्या कर। मैं आपकी चीखें सुनाने के लिए अब आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोगों के इस इलाके में यारू गोट में भूले से भी कोई नहीं आता, ना आप लोगों के यहाँ पे अमवात होती है उसका पता चलता है, ना आप लोगों के साथ कोई ज्यादती होती है, जुल्म होता है उसकी कोई खबर आती है। तो मैंने कहा कि बजाय ये कि यहाँ से मैं इंतजार करूँ कि कब खबर आए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। 5 साल बाद मेरा आपके पास आना हुआ, हालात बदले, कोई वादा पूरा हुआ आपके साथ जो आपके इतने बड़े सानेहे के बाद आपसे वादे किए गए थे या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया, वैसी का वैसी हालात चल रहे जैसे थे हम लोग शुरू से, न कोई इमदाद आती है, न कोई पता करने आता है, न कुछ होता है। इंसान पता तो करे ना, गरीब लोग कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे, मगर कोई इशू नहीं लेता यहाँ पे। ठीक है, और सुना है कि बजाय ये कि आप लोगों से कोई वादा पूरा किया जाता, उल्टा जो आपके पास कोई और कुछ नहीं तो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ सहूलत ही फराहम कर देते हैं। सुना है कि आप लोग चाहे पानी हो, बिजली हो, गैस हो, बाकी चीज़ों की तो बाद में बात आती है, ये बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इससे ही आपको कह दिया है कि भाई ये अगर आप खुद कर सकते हो तो करो, वरना हमारी बला से कहीं पे जाना है, कराची से बाहर जाना है, किसी जंगल में जाना है, जाओ, ऐसा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, क्योंकि यहाँ पे अब गैस भी नहीं है, कितने सालों से हमें बिठाया हुआ है, पानी की भी तंगी, गैस की भी तंगी, लकड़ी जला जला के लकड़ी हो रही, बच्चे भी बीमार हो रहे, पीछे बट्टा है, धुआं आके सांस बंद हो रही है, और मेरे मियाँ का दिल का भी मसला हो गया, दिल के वाल बंद हो गए, और अब इलाज करवाएं खाएं या कुछ करें, बीमार पड़ जाते हैं छोटे बच्चे। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों की जो महाना कमाई है वो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 12,000 से ज्यादा नहीं है, और शायद इससे भी बहुत से कम लोग उसमें, 6,000 है जी, 12,000 नहीं जनाब, यहाँ पे बहुत से लोग 6,000 रुपए में गुजारा कर रहे हैं महीने का, 6,000 रुपए हम काम करते हैं हम लोग,
6,000 रुपए में ना हम जब होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं एक दफा अपने दोस्तों के साथ, तो 6 से 7 हजार रुपए का हमारा वैसे खर्चा हो जाता है। आपके पूरे महीने का खर्चा इतना है जी? और बीमारियां अलग होती है, उस पे अलग, डॉक्टर के जाओ 1500, 2000 ऐसे लग जाते हैं। आप खाएं जाओ, इलाज करवाएं। मुझे एक बात बताएं कि एक ज्यादती आप लोगों के साथ तब हुई थी कि जब केमिकल डाल के आप लोगों के घरों को जलाया गया था, आपकी यहाँ पे पूरा यहाँ पे सफे मातम बिछ गया था। यहाँ पे एक ज्यादती आप लोगों के साथ आपको नहीं लग रहा कि अब हो रही है कि आप लोगों को जिंदा तो छोड़ दिया गया लेकिन जिंदा दरगोर कर दिया गया आपको? जी, मगर ये कि सही है, मगर आए तो सही ना, वहाँ से तो बचा है, यहाँ से कैसे बचेंगे? जैसे दुख तकलीफ है, कोई जैसे कमाई इतना है नहीं सबकी, एक हमारी नहीं, सब परेशानी है यारूगोट में। थोड़ा तो आके पता करें ना कि कैसे गरीब लोग रह रहे हैं। और ये हमारे साथ जो दफ्तर वाले वो भी थोड़ा साथ देते हैं, जाते हैं तो पानी की थोड़ा खोल देते हैं, कभी उनके पास भी नहीं आते तो हमें देते भी नहीं है। वो भी बेचारे क्या करें, अब बिल इतना चढ़े हुए, बिल का क्या करें, 2-2 लाख 3-3 लाख। और ये बच्चों के काम धंधे बंद है बिल्कुल, जब से ये कोरोना का हुआ, जब से बिल भी नहीं भरे जा रहे हमारे। आप इस इलाके से निकल क्यों नहीं जाते? यानी कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप लोगों को आसान होगा आप लोगों के लिए इस इलाके से निकलना, या बस आप कह रहे हैं कि बस अब हम जाएं तो जाएं का, पूरा कराची लुट गया तो जाएंगे भी तो किराए के घरों में कैसे जाएं, कैसे पूरा करेंगे किराए के घरों में अगर यहाँ से निकल के जाएं तो? ये तो चलो अपना है, 10 अफराद 9 अफराद हैं एक कमरे के मकान में गुजारा कर रहे हैं। तो जनाब आज का चीख उठा कराची, बस यहीं तक, खा गए मेरे कराची को, नज़र लगा दी मेरे कराची को। जिसका जितना दिल चाह रहा है ना, वो कराची को उतनी ज़रबे लगा रहा है, और वो भी कुंदी हुई छुरी के साथ। अब ये देखिए, ये गुर्बत का आलम देखिए, पहले जाकर किसी इलाके को चुना जाता है, फिर वहाँ पर लोगों को बेचारे जो गरीब, अनफॉर्चुनेटली वो गरीब तरीन लोग होते हैं, गरीब नहीं होते, गरीब तरीन लोग होते हैं, उस तबके को लाके पहले बिठाया जाता है, फिर उनसे वो ज़मीन छीनने के लिए, उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, उनको जंगल से आबाद करने के लिए लाया जाता है, और फिर उनको जब बसना शुरू हो जाते हैं तो ना उनको गैस दी जाती है, ना पानी दिया जाता है, ना बिजली दी जाती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनको किसी भी वक्त ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उनको उठाकर इन इलाकों से बाहर फेंक दिया जाता है। कराची इस वक्त डिमांड कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई तो हो। अब अगर मैं भी इन इलाकों का रुख ना करूँ ना, तो आपने प्रोग्राम में सुन लिया होगा, इनकी आवाज़ तो आप तक पहुँचेगी भी नहीं, इनकी चीख तो बहुत दूर की बात है, आवाज़ तक इनकी एक जो भाप होती है ना मुंह की, वो तक आप नहीं सुन सकते। ये है मेरा कराची, इसकी चीख है, सुनिए अल्लाह का वास्ता है। ये कराची जिस हम जैसे अरूसुल बलाख कहते थे ना, आज वो कराची तिल तिल तड़प रहा है, हर ज्याती बेचारे कराची के साथ तो होती है। मैं तो एक मशवरा दूंगी कि जितनी आपने जुल्म ज्यादती की हुई है, एक काम कीजिए, क्या तमाशा लगा रखा है कि हर कुछ दिन के बाद आप किसी जगह को निस्तो नाबूद कर देते हैं, यहाँ पे कराची के रहने वालों को उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर रहे हैं, और दूसरे इलाकों के लोगों को किसी तरीके से एडजस्ट करना शुरू कर रहे हैं। एक काम कीजिए ना, एक ही दफ़ा में एक बड़ा काम कर दीजिए, पकड़िए सारे कराची वालों को, एक ही दफ़ा में समंदर बुर्द कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना उर्दू का एक मुहावरा होता है कि ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी। उठाइए हमें, फेंक दीजिए एक समंदर के अंदर एक ही दफ़ा में, ताकि ये जो बार बार हल्के फुल्के झटके लगते लगते अब एक मौका ऐसा आया है कि अब हमें इसकी आदत हो रही है, आप इम्यून कर रहे हैं ना हमें, एक ही दफ़ा में ये काम तमाम कीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मशवरा मुझे मेरी आवाम दे रही है, ये बात आवाम कर रही है, मैं तो आवाम की बात आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरा स्टेटमेंट कुछ इससे अलग होगा, लेकिन ये आवाम की बात है। बहरहाल चीख उठा कराची में, आज यारो गोट की चीख आपको सुनाई दी होगी, उम्मीद है कि ये चीख मज़ीद तकलीफ़ दे चीख इससे पहले के बने। ज़रा इस जगह पे आके एक दफ़ा अगर मैं आ सकती हूँ ना, तो आप भी आइए, ज़रा देखिए इस इलाके की चीखें, ज़रा सुनिए ज़रा जिस तरह मैंने सुनी है। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।